नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आई होप सारे शेयर बढ़िया होंगे। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ज्यादा सीरियस होने वाली है। मैंने सारे काम छोड़कर इस वीडियो को यानी कि आपकी सेफ्टी को प्रायोरिटी रखा और सोचा आज ये वीडियो बनाते हैं। देश गर्मी से जूझ रहा है, इतनी गर्मी पिछले कई सालों में कभी भी नहीं थी और अब धीरे धीरे रोड पर चलती कारों में आग लगने की न्यूज भी आ रही है। आप चाहे कोई भी कार ओन करते हो, खासकर अगर आप एक सीएनजी कार ओन करते हो तो इस वीडियो को तो बिल्कुल एंड तक देखना ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना ना हो। दोस्तों हम बात करने वाले हैं कि कैसे इस गर्मी को बीट करें, हाउ डू वी बीट द हीट, कैसे अपनी कार का ख्याल रखें कि वो इस एक्सट्रीम सिचुएशन पे ना पहुंचे कि कोई किसी प्रकार की बात हो जाए। आप नई कार खरीदेंगे या पुरानी कार खरीदेंगे, दोनों ही केस में टिप्स आपके काम आएगी। चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले एक्सट्रीम केस में आपको अपनी कार का कूलेंट रेगुलरली चेक करते रहना है। कार में एक इंजन में कूलेंट डलता है जिसका काम होता है कि भाई कार के इंजन के टेम्परेचर को मेंटेन रखना। दोस्तों सबसे पहले आपको अपनी कार के कूलेंट लेवल हमेशा चेक करने हैं। ये आप कैसे कर सकते हैं, जब भी आप अपनी कार का बोनेट खोलेंगे तो वहां पर एक कैन होती है, छोटी सी एक बॉटल होती है, उसके अंदर एक लिक्विड होगा, अलग अलग कलर्स का होता है, कई बार पिंक होता है, ग्रीन होता है, आप चेक कर लेना आपकी कार में किस कलर का है, थोड़ा सा रेडिश भी लग सकता है। ये लिक्विड हमेशा उपयुक्त मात्रा में कार के अंदर रहना चाहिए। इनफैक्ट अगर आप अपनी कार को सर्विस में डिले कराए जा रहे हैं तो ये बहुत ज्यादा गलत टाइम हो सकता है। दोस्तों अपनी कार को टाइमली सर्विस करवाएं, उससे आपको दो फायदे होंगे। दोस्तों कई बार ऐसा होता है, मैं रियलाइज करता हूँ कि फाइनेंशियल इश्यूज आ जाते हैं, हम लोग अपनी सैलरीज या पेमेंट का वेट करते हैं और हम कार की सर्विसेज को डिले करते रहते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस मौसम में अगर आपकी कार सर्विस का टाइम आ गया है उसको डिले ना करें। उसके दो रीजन है दोस्तों, एक तो आपका कूलेंट वो लोग चेक कर लेंगे और साथ ही हमारा जो कार का एसी होता है, क्योंकि वही हमारा एक जरिया है जो गर्मी में हमें हेल्प कर सकता है। आप हाईवे पे जाते हैं, फैमिलीज के साथ जाते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, सो कार एसी की सर्विस भी हाथों हाथ कराइए। जब आपकी कार सर्विस पे जा रही है, एसी के जो पाइप्स होते हैं, वेंट्स होते हैं, उसको टाइमली क्लीन कराइए ताकि जो आपकी कार का एसी है बिल्कुल ऑप्टिमम लेवल पे आपकी कार को कूल कर पाए, जो उसकी एक्चुअल कैपेसिटी है। अब दोस्तों यहाँ पर एक सिचुएशन आ सकती है कि आप अपने कार की सर्विस ऑलरेडी करवा चुके हैं पर फिर भी आपने नोटिस करा कि आपकी कार का जो कूलेंट है वो कम है, तो उस केस में घबराने की कोई बात नहीं है। आप किसी भी नियर बाय लोकल शॉप पे जाके भी कूलेंट को रीफिल करा सकते हैं, इससे आपकी कार की सर्विस पे या वारंटी पे कोई असर बिल्कुल भी नहीं पड़ता है। और इवन अगर आप ये नोटिस करते हैं कि आपकी कार की सर्विस हो गई उसके बाद भी आपकी कार का एसी इफेक्टिव कूलिंग नहीं करता, तो आप किसी लोकल शॉप या फिर सर्विस सेंटर से ही वापस जाकर खाली कार के बारे में ही चेक करा सकते हैं कि मुझे सिर्फ एसी चेक करवाना है कि क्या इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। मोस्ट ऑफ द केसेस में कई बार वो कार एसी फिल्टर टाइमली रिप्लेस नहीं करते या फिर कुछ इश्यूज और आ सकते हैं माइनर, तो वो वहां से ठीक हो जाएगा। और साथ ही इतना काफी नहीं है दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि जैसे हम कहीं जा रहे हैं और हमें कार पार्क करनी है, अगर आप थोड़ी देर के लिए पार्क कर रहे हैं 15-20 मिनट के लिए तो कोई बात नहीं, पर कई बार हमें 2-4-5-6-7-8 घंटे अलग अलग टाइम्स होते हैं जब हमें काम पड़ता है, तो कोशिश करें ऐसी जगह कार पार्क करें जहां पर थोड़ी सी छाया आ रही हो। अपनी कार को बिल्कुल ओपन धूप में पार्क करके ना चले जाएं। इफ इन केस अगर कोई ऐसी जगह है जहां पर आपको पार्किंग नहीं मिल रही है और ओपन ही धूप है, तो कोशिश करें अपनी कार के चारों विंडो को थोड़ा थोड़ा बहुत स्लाइटली डाउन कर दें, जिससे एयर सर्कुलेशन होता रहे, एयर फ्लो होता रहे। खासकर अगर आपके पास दोस्तों सनरूफ वाली कार है तो माइनर सनरूफ खोल दीजिए, इतना खाली एयर का सर्कुलेशन हो पाए, आपकी जो कार है काफी ज्यादा ठंडी रहेगी। साथ ही में एक और ट्रिक आप ये कर सकते हैं दोस्तों, कार के विंडो शेड्स मिलते हैं, आप वो शेड्स लगा कर रखें, उससे भी काफी ज्यादा टेम्परेचर में फर्क पड़ता है और एसी इफेक्टिव कूलिंग कर पाएगा। इसके साथ ही आप जिस भी शहर में रहते हैं अपनी कार में ब्लैक फिल्म्स भी लगवा सकते हैं। अब मुझे पता है कि भाई इस पर चलान हो जाता है, मैं टोटली डार्क ब्लैक करने की बात नहीं कर रहा, थोड़ी सी टिंट करा लीजिए, हर शहर में थोड़ी सी लिबर्टी दी हुई है। फॉर एग्जांपल जैसे जहां तक मुझे लास्ट याद था दिल्ली में भी 40-50% तक करवा सकते थे। आप चेक कर लीजिएगा कि आपके शहर में क्या लॉस हैं, उसके अकॉर्डिंगली थोड़ी सी टिंटेड भी कराते हैं तो काफी ज्यादा टेम्परेचर में हीट में फर्क पड़ता है और आपकी एसी को कार के सपोर्ट मिलता है कि भाई वो कार को जल्दी और इफेक्टिव कूल कर पाए। कुछ पॉइंट दोस्तों ऐसे हैं हो सकता है जिसमें आप ऑलरेडी लेट हो चुके हो। फॉर एग्जाम्पल जो कार के सीट कवर्स होते हैं, आप उस तरीके से चूज करें कि ज्यादा डार्क ब्लैक ना ले, लाइट ब्राउन या फिर बीज या फिर थोड़े से सिल्वर टाइप के, अगर आप कार के अंदर कोई भी लाइट कलर के सीट कवर्स को चूज करते हैं तो वो भी कार को ठंडी रखने में हेल्प करता है। अगर आप नई कार खरीद रहे हैं तो जितने ज्यादा डार्क इंटीरियर या ब्लैक इंटीरियर आपकी कार के होंगे उतनी ज्यादा कार में हीट बनेगी,
तो अगर आप फॉर एग्जाम्पल आइवरी, वाइट या फिर कोई ड्यूअल टोन इंटीरियर्स की तरफ कार चूज करते हैं, तो गर्मियों के वक्त वो आपकी कार को कम गर्म होने में हेल्प करती है, यानी कि कम हीट ऑब्जॉर्ब करती है, तो ये भी आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है। अब भाई जिन्होंने ले ली है, जिनके ब्लैक ही सीट कवर्स लग चुके हैं या ब्लैक ही इंटीरियर्स हैं, वहां पर कुछ खासा काम नहीं कराया जा सकता, पर अगर आप अभी खरीद रहे हैं या बुक कर रहे हैं तो ये चीज आपके लिए हेल्पफुल होगी। एक और इंपॉर्टेंट टिप दोस्तों मैं आपको देने वाला हूं। आपने नोटिस करा होगा कि भाई आपकी कार जब खड़ी होती है काफी तप जाती है धूप में, आप आते हैं और आप क्या करते हैं, सडनली एसी को 2 पे कर देते हैं और कार चलानी स्टार्ट कर देते हैं। तो इफ इन केस अगर आपकी कार में कोई ऐसा फीचर है कि भाई आप ऑलरेडी रिमोट से या फिर कोई ऐप से अपनी कार को स्टार्ट करके एसी को स्टार्ट कर सकते हैं, तो थोड़ा वेट कर लीजिए। वहां पर क्या होगा, आपकी कार ऑलरेडी ठंडी हो जाएगी, तो आपकी थोड़ी सी पर्सनल केयर हो जाएगी। और एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, एकदम से एसी को स्टार्ट ना करके पहले खाली ब्लोअर ऑन कर दीजिए, सारे विंडोज डाउन करके ब्लोअर को 3 या 4 पे कर दीजिए, कम से कम 15 सेकंड का वेट करें, सारी गर्म हवा को निकलने दें। उससे आपको ये फायदा होगा कि भाई जो एसी के पाइप्स हैं या वेंट्स में जो गर्म हवा पहले से पड़ी हुई थी, अब आपकी कार के एसी को उन सबको पहले कूल नहीं करना पड़ेगा। और क्योंकि आपने ऑलरेडी विंडो खोल दिया था, जो अंदर ऑलरेडी हीट बन रही थी उससे भी आपको आराम मिलेगा। और जो पहला पॉइंट मैंने आपको बताया था, अगर आपने थोड़े से विंडोज माइनर डाउन कर रखे थे तो गर्म हीट काफी लेवल पे ऑलरेडी पहले कम प्रोड्यूस हुई भी होगी वहां पे। तो इस टिप को सबसे प्रायोरिटी पे रखना, घुसने के बाद कार में पहले ब्लोअर ऑन करो, 3-4 पॉइंट पे हवा को चलने दो, जब 15 सेकंड के बाद आपको लगे कि भाई काफी गर्म हवा जा चुकी है, उसके बाद कार को एसी को ऑन करो, बहुत इफेक्टिव और फास्ट कूलिंग करेगा और आपके कार के कंप्रेसर पे भी एसी के कम लोड पड़ेगा। दोस्तों अगर आपकी कार में टीपीएमएस है, जिससे आप टायर कार का प्रेशर चेक कर सकते हैं टायर्स का, तो बहुत अच्छी बात है। पर इफ इन केस अगर आपकी कार में टीपीएमएस नहीं है, तो आप दोस्तों रेगुलरली अपनी कार के टायर प्रेशर को चेक करते रहिए, क्योंकि गर्मी इतनी ज्यादा हो रही है, अगर टायर प्रेशर भी सही तरीके से मेंटेन नहीं होता है तो आपकी कार की माइलेज या फिर टायर फटने का डर या फिर बहुत सारे और रिस्क भी यहाँ पर इन्वॉल्व हो जाते हैं। दोस्तों अगर हम सेल्फ केयर की बात करें, तो मैं तो आपको ये हाईली रेकमेंड करूंगा कि अगर आप किसी ऐसे शहर में रहते हो जहां पर आपके पास कोई और अल्टरनेटिव हो, चाहे एसी बसेस हो, मेट्रो हो या फिर कोई और अल्टरनेटिव आपके पास हो, तो कोशिश करें कि अगर आप अकेले 4-व्हीलर से ट्रैवल कर रहे हैं तो मत ही जाएं यार, आपकी माइलेज भी लगेगी, तेल भी लगेगा अगर ये पॉसिबल है तो। क्योंकि अगर आप फॉर एग्जांपल दिल्ली मेट्रो में जा रहे हैं या मुंबई मेट्रो, कोई भी ऐसा शहर जहाँ पे मेट्रो है, तो वो आपके लिए ज्यादा यूजफुल हो सकता है, इस टिप पे भी ध्यान दे सकते हैं। और दोस्तों बच्चों को तो भाई बिल्कुल ही कोशिश करें कि गर्मी में आप ना ही ट्रैवल करवाएं ज्यादा, तो बेटर है। क्योंकि यार हमारे पड़ोस में भी मुझे काफी न्यूज सुनने को मिल रही है, बच्चे गर्मी से बेहोश हो रहे हैं। इनफैक्ट अगर आप शाम को भी वो कहीं खेलने जा रहे हैं, तो कोशिश करें यार उनको घर के नीचे पार्किंग के आसपास या फिर कोई नियर बाय छोटा पार्क हो, ज्यादा दूर अपने से ना जाने दे, तो एक काफी ज्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। सो दोस्तों एक क्विक वीडियो थी, छोटी वीडियो थी, मैंने सोचा कि इस बारे में बात कर लेते हैं, बहुत जरूरी और इंपॉर्टेंट वीडियो थी। तो मिलते हैं फिर किसी और दिन गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, वीडियो को लाइक कर देना। बाय बाय, टेक केयर।